नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस का संकट अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि इस बीच त्रिपुरा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। शनिवार को त्रिपुरा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, पीयूष कांति बिश्वास ने अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान किया है। वो अपने पुराने पेशे में वापस जाने वाले हैं। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पीयूष कांति बिश्वास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए पद से इस्तीफा देना बहुत दर्दनाक है। मैं सोनिया जी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। मैं राजनीति से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मुझे अपने पेशे में वापस जाने की खुशी है। बता दें कि पीयूष कांति बिश्वास पेशे से वकील हैं। हाल ही में उन्होंने आईपैक की टीम को त्रिपुरा में जमानत दिलाने में भी मदद की थी। वहीं पीयूष कांति बिश्वास ने ट्विटर पर भी अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि TPCC अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान आपके सहयोग के लिए मैं सभी कांग्रेस नेताओं समर्थकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। सोनिया गांधी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। इससे पहले अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव भी TMC में शामिल हो गई थी। पीयूष कांति बिश्वास ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है, हालांकि उनके TMC में जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव भी TMC में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस की पूर्व नेता सुष्मिता देव ने मंगलवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस में बिना किसी शर्त के शामिल हुई हैं और पार्टी अध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देंगी वो उसे संभालेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।